के द्वारा हमारे लिए रॉयल ऑर्चिड जो कि 5-star होटल है बेंगलुरु का, उसको बुकिंग किया गया है। आज डिनर यहाँ पे मंत्री के द्वारा हमको दिया जा रहा है। देख सकते हो पूरा लाइन में लगे हुए हैं। मैं आप लोग को अंदर जाता हूँ, अंदर का माहौल और किस प्रकार से होटल है उसको दिखाने की कोशिश करूँगा। के बाहर हूँ और पूरा एरिया आप लोग को घूम कर दिखा देता हूँ दोस्तों, किस प्रकार से क्या क्या यहाँ पे सुविधा है। तो आप देख सकते हो मेरे पीछे यहाँ पे पूरा बाइक और कार पार्किंग है। मेरे राइट तरफ भी देख सकते हो पूरी कार पार्किंग के लिए काफ़ी स्पेस है। हॉल के जस्ट सामने और उसका बिल्डिंग है होटल, तो उसके अंदर अभी मैं जा रहा हूँ और अंदर दिखाने वाला हूँ दोस्तों किस प्रकार से रूम वगैरह। अभी होटल के अंदर दूसरी ओर मैं इंटर कर चुका हूँ, देख सकते हो काफ़ी फैसिलिटी है 5-star। तो आप कहीं देख सकते हो पहले बार है किसी 5-star होटल में आए हैं। देख सकते हो यहाँ गेम वगैरह के लिए खेलने के लिए है। देख सकते कैसा लगा 5-star होटल में आके? बहुत अच्छा है, अच्छा लगा। और देख सकते हो काफ़ी स्टैंडर्ड है वो। देख सकते हो होटल में काफ़ी सुविधा इस प्रकार से बना है, काफ़ी खूबसूरत है। और यहाँ पे जाके गार्डन वगैरह है, वहाँ ले जाता हूँ, स्विमिंग पूल भी है शायद। जाना तो आगे स्विमिंग पूल है, वहाँ चलते हैं और देखते हैं स्विमिंग पूल। देख सकते हो काफ़ी सारे यहाँ पे टेबल वगैरह है, यहाँ रिसेप्शन, मैरिज और कई सारी पार्टी के लिए बड़े बड़े लोग जो होटल को बुकिंग किया जाता है 7-star 5-star, और काफ़ी महंगा रहता है इसका प्राइस भी। और देख सकते हो काफ़ी खूबसूरत है स्विमिंग पूल का नज़ारा। देख सकते हो काफ़ी क्लीन है पानी इसका, और यहाँ पे मछली का चित्र बना हुआ है। मंत्री के द्वारा रखा गया था काफ़ी अच्छा सा, लेकिन बहुत प्यार मिला कर्नाटक में। और मंत्री जी भी आए थे यहाँ पे, और हमारा जैसे डिनर चालू हुआ उसके बाद वे और चले गए, क्योंकि यहाँ पे आए और काफ़ी घूमे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, आप लोगों को कैसा लगा आप ज़रूर बताना। जय हिंद, जय जवाहर, जय छत्रपति।